हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे सिलेबस में था हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था और उसके क्वेश्चन भी कर लिए। आज हम इसका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समीकरण संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण, द्विघात समीकरण हमने पहले भी पढ़ रखी है, क्या होती है, ax2 + bx + c = 0 के, ये उसका व्यापक द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, इसमें हमने व्युत्क्रम की बात की थी लास्ट 10th क्लास में, b² - 4ac > = होना चाहिए 0 के, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें हम करेंगे यदि b² - 4ac < हो जाए 0, रूट में अगर माइनस की संख्या आ जाती थी तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते, हम कहते थे इसके मूल वास्तविक नहीं, तो मूल काल्पनिक होंगे उनको भी हम इस में सोल्व करेंगे, इस पार्ट में उनको भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास फंक्शन आया था x² + 1 = 0, तो x² = -1, तो x = √-1, रूट में माइनस की संख्या आते ही हम क्या कहते हैं, ये काल्पनिक संख्या नहीं है, तो इन काल्पनिक संख्याओं को ही सोल्व करेंगे इस चैप्टर में। देखो सबसे पहले इसमें आता है आइटा के पूर्णांक का, ये याद रखोगे आप, सबसे पहले इसमें आइटा के पूर्णांक का, आइटा इक्वल होता है, पहले तो आता है आइटा की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 तो 1 ही होती है, आइटा इक्वल होता है √-1, यहां लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2, आइटा इक्वल यार को क्या होता है √-1 या -1 की पावर 1/2, आइटा की स्केयर इक्वल होता है -1, आइटा की स्केयर इक्वल -1, फिर आइटा की क्यूब इक्वल लिख सकते हैं आइटा स्केयर इनटू आइटा, आइटा की स्केयर -1 इनटू आइटा, तो ये कितना आ गया -का आइटा, फिर आइटा की पावर 4, आइटा स्केयर इनटू आइटा स्केयर, आइटा स्केयर -1 इनटू -1, ये क्या हो जाएगा +1, फिर आइटा की पावर 5, तो यहां पर आइटा की क्यूब इनटू आइटा की स्केयर, आइटा क्यूब किसके इक्वल है -आइटा इनटू -1, तो ये क्या हो जाएगा +का आइटा। इस प्रकार से इनकी आप वैल्यू निकाल सकते हो, आइटा की पावर 8 तक आप इनकी वैल्यू निकालोगे, तो आपके पास आइटा के किसी भी पूर्णांक का मान क्या आएगा, आइटा -1 -आइटा और +1, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं है। आइटा की पूर्णांक की बात कर ली हमने, आइटा का मान क्या आएगा, यहां पर आइटा -1 -आइटा और +1, कितनी भी यहां पर पूर्णांक निकालोगे इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या किसे बोलेंगे, ऋणात्मक वास्तविक संख्या के वर्गमूल को, ऋणात्मक वास्तविक संख्या के वर्गमूल को क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे ऋणात्मक को वर्गमूल में जैसे -1 √-6, तो ये सारी क्या होगी, संख्याएं वास्तविक है लेकिन यहां पर इनके वर्गमूल में क्या आ गया माइनस, तो ये क्या होगी हमारी काल्पनिक संख्या। क्या पढ़ा है हमने, सबसे पहले इसका देखा है द्विघात समीकरण क्या होती है, उसके मूल क्या कहते हैं, ये हमने 10th क्लास में किया हुआ था बेसिक इसका ही, फिर हमने देख लिया आइटा की पूर्णांक और उसके बाद हमने देख लिया काल्पनिक संख्या कौन सी होगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल ही क्या होगा, काल्पनिक संख्या। अब आता है इसमें समीकरण संख्या, अब पढ़ेंगे समीकरण संख्या, समीकरण संख्या क्या होगी, वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर क्या बनेगी, समीकरण संख्या बनेगी। समीकरण संख्या किससे बनेगी, वास्तविक और काल्पनिक मिलकर क्या बनाएगी, हमारे पास समीकरण संख्या बनाएगी। ठीक है, तो यहां लिखोगे समीकरण संख्या,
समीचर संख्याएं, वह संख्याएं जिनका एक भाग वास्तविक, वह संख्याएं जिनका एक भाग वास्तविक, ये डेफिनेशन लिखोगे भी इसमें, वह संख्याएं जिनका एक भाग वास्तविक तथा दूसरा भाग काल्पनिक, तथा दूसरा भाग काल्पनिक हो तो वह कौन सी संख्याएं कहलाएगी हमारी समीचर संख्या, जिसका एक भाग क्या हो वास्तविक और दूसरा भाग क्या हो काल्पनिक, तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएगी हमारी समीचर संख्याएं कहलाएगी। जैसे संख्या युग्म में क्या होगा a प्लस आइटम, इस प्रकार की संख्याएं होगी, किस युग्म के रूप में होगी a प्लस आइटम, a क्या होगा यहां पर वास्तविक भाग, a क्या होगा इसका वास्तविक भाग, और आइटा भी ये क्या होगा हमारा काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग काल्पनिक भाग मिलके क्या बनाएगी समीचर संख्या बनाएगी, समीचर संख्या, समीचर संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे जेड से प्रदर्शित करेंगे, समीचर संख्या किससे दर्शाएंगे इसमें जेड से, तो जेड इक्वल यहां से क्या लिख सकते हैं ए प्लस आइटा बी, यहां क्या बोल सकते हैं एक्स प्लस आइटा वाई, समीचर संख्या की फॉर्म क्या होगी जेड इक्वल एक्स प्लस आइटा। अगर ये बेसिक इसका समझ आए तो ही इसके क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज इसके क्वेश्चन नहीं होंगे, इसका बेसिक ही इंपॉर्टेंट है। तो जेड इक्वल हमारे पास फॉर्म इसकी क्या होगी एक्स प्लस आइटम, दोबारा देखते हैं हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें द्विघात समीकरण जो हमारा पहले से किया हुआ है वो अच्छे से, फिर उसके बाद हमने देख ली आइटा की पूर्णघात, आइटा की पूर्णघात के ऊपर क्वेश्चन होंगे इसमें, कई क्वेश्चन आएंगे आइटा की पूर्णघात, तो वो आपको याद रहनी चाहिए आइटा इक्वल रूट माइनस वन, आइटा स्क्वायर इक्वल माइनस वन, आइटा की क्यूब इक्वल माइनस आइटा, जो भी बनते हैं वो हमें याद होने चाहिए। अब उसके बाद हमने देख लिया समीचर संख्याएं कौन सी होगी, वह संख्याएं जिनका एक भाग वास्तविक दूसरा भाग क्या हो काल्पनिक हो, तो वो कौन सी संख्याएं होगी समीचर संख्याएं, किस रूप में लिखेंगे a प्लस आइटा बी, ये क्या होगी a वास्तविक संख्या, आइटा बी क्या होगी काल्पनिक संख्या या काल्पनिक भाग, तो z इक्वल क्या फॉर्म बन गई हमारे पास x प्लस आइटा वाई। आगे बढ़ते हैं इसमें, फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं इस पर z इक्वल x प्लस आइटा वाई का, क्या आया हमारे z इक्वल x प्लस आइटा वाई, यदि फर्स्ट कंडीशन है y इक्वल हो जाए जीरो के, यदि हमारा y किसके इक्वल हो जाए जीरो के, ये y इक्वल जीरो हो गया तो z किसके इक्वल आ जाएगा स्मॉल x के, तो z किसके इक्वल आ जाएगा यहां से स्मॉल x के, तो जो स्मॉल x है ये क्या होगी एक शुद्ध वास्तविक संख्या होगी, क्या बोलेंगे एक शुद्ध वास्तविक संख्या, या क्या बोलेंगे इसको रेजिडी ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या है z का रियल पार्ट, तो वास्तविक भाग को हम क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। यदि x इक्वल हो जाए जीरो, यदि x इक्वल हो गया जीरो के तो यहां से z इक्वल क्या आ जाएगा आइटा वाई, तो ये क्या होगा एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, शुद्ध काल्पनिक संख्या, काल्पनिक यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई एम z यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वास्तविक संख्या के भाग को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो क्या बना हमने z इक्वल x प्लस आइटा वाई रो, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग मिलके समीचर संख्या बनाएंगे, यदि y इक्वल हो जाए जीरो के सिर्फ z इक्वल x रह जाए तो ये वो भी शुद्ध वास्तविक संख्या, या वास्तविक संख्या के भाग को किससे दर्शाएंगे हम रियल पार्ट ऑफ z, आर ई z, यदि x इक्वल हो जाए जीरो के तो z इक्वल रह जाएगा हमारे पास आइटा वाई यानी एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, इसको किससे दर्शाएंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
अब इसमें आएगा समीशियर संख्याओं का समुच्चय, समीशियर संख्याओं का समुच्चय। देखो समीशियर संख्याओं का समुच्चय C इक्वल होगा A प्लस आइटा B, और यहां पर A और B बिलोंग्स करेंगे किसमें, कैपिटल R। C इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस आइटा B, A और B किसमें बिलोंग्स करेंगे, R। और समान समीशियर संख्याएं कौन सी हो जाएगी, दोनों में वास्तविक और काल्पनिक भाग समान समीशियर संख्याएं, समान यानी वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वो कौन सी हो जाएगी, समान समीशियर संख्या। अब इसके बाद इसमें बात करते हैं समीशियर संख्याओं का संयुग्मी, समीशियर संख्याओं का संयुग्मी। हेडिंग लाओगे यहां पर समीशियर संख्याओं का संयुग्मी, समीशियर संख्याओं का संयुग्मी। यदि हमारे पास z इक्वल a प्लस आइटा b, यदि हमारे पास z इक्वल a प्लस आइटा b एक समीशियर संख्या है, क्या है एक समीशियर संख्या, क्या है एक समीशियर संख्या, तो z इक्वल z बार ये इसका क्या होगा, संयुग्मी। तो z का z बार क्या होगा, संयुग्मी होगा, जहां z बार इक्वल फिर क्या आएगा, a माइनस आइटा, आइटा के स्थान पर आपने क्या पुट कर देना है, माइनस आइटा। समीशियर संख्याओं का संयुग्मी क्या होगा, यदि हमारे पास z इक्वल a प्लस आइटा भी रूप में समीशियर संख्या है, तो z का संयुग्मी क्या होगा, z बार, तो z बार इक्वल क्या आएगा, a माइनस आइटा, आइटा की जगह पर क्या पुट कर दोगे, माइनस आइटा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, संयुग्मी संख्या हो जाएगी। जैसे यदि हमारे पास एग्जांपल के लिए जेड इक्वल फोर प्लस सिक्स आइटा है, जेड इक्वल क्या है हमारे पास, फोर प्लस सिक्स आइटा है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल फोर माइनस सिक्स आइटा, आइटा की जगह माइनस आइटा पुट करना है और जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड बार, तो ये इस संख्या का क्या होगा, संयुग्मी होगा। फिर आएगा समीशियर संख्या का मापांक, इन पर रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे, समीशियर संख्याओं का मापांक, समीशियर संख्याओं का मापांक, समीशियर संख्याओं का मापांक। हेडिंग लगाओगे समीशियर संख्याओं का मापांक किस प्रकार से ज्ञात करें। देखो यदि हमारे पास समीशियर संख्या हो z इक्वल a प्लस आइटा b, क्या हो हमारे पास समीशियर संख्या z इक्वल a प्लस आइटा b, तो मापांक को किस प्रकार से दर्शाएंगे, z के ऊपर इस प्रकार से दो लाइनिंग लगाओगे यानी बार से प्रदर्शित करोगे, तो ये क्या होगा, z का मापांक, और z के मापांक की वैल्यू यहां पर क्या होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां क्या बोल सकते हैं इसमें, रूट रियल पार्ट ऑफ z की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की स्क्वायर, यानी जो z का इसमें रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग है उसकी स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग है उसकी भी स्क्वायर, तो इस प्रकार से यहां पर इसका समीशियर संख्या का मापांक ज्ञात करो। यदि समीशियर संख्या का प्रतिलोम ज्ञात करना हो या गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो, तो z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बस इतना सा याद रख लो कि z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 अपॉन z, z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 अपॉन z होगा, यहां इसको 1 अपॉन z को, जैसे इसमें समीशियर संख्या के प्रतिलोम की बात करते हैं, सबसे पहले यहां हेडिंग लगाओगे, पहले ये लिखना है इसमें गुणात्मक प्रतिलोम, इसको देख ही लेते हैं,
श्मीशर संख्या का प्रतिलोम, श्मीशर संख्या का प्रतिलोम, जैसे जेड इक्वल है हमारे पास ए प्लस आइटम, ठीक है, इसका प्रतिलोम यानी वन अपॉन जेड इक्वल क्या है यहां से वन अपॉन ए प्लस आइटा बी, यहां इसमें क्या कर लेते हैं किससे गुणा करेंगे आंसर हरमी ए माइनस आइटा बी से, तो वन अपॉन ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी अपॉन में ए माइनस आइटा बी, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया ए माइनस आइटा बी अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस आइटा स्केयर और बी स्केयर, और आइटा स्केयर हमें पता है किसके इक्वल होता है माइनस वन के, आइटा स्केयर किसके इक्वल होता है माइनस वन के, तो यहां पर ए माइनस आइटा बी अपॉन में ए स्केयर प्लस क्या आ जाएगा यहां पर बी स्केयर, ए स्केयर प्लस में क्या आ जाएगा यहां पर बी स्केयर, आइटा स्केयर किसके इक्वल होता है माइनस वन के, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस वन, तो वन अपॉन जेड इक्वल क्या आ जाएगा ए माइनस आइटा बी सॉरी ए अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर और माइनस आइटा बी अपॉन में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो वन अपॉन जेड इक्वल क्या आ गया ए अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस आइटा बी माइनस आइटा बी, यहां इसको क्या लिख सकते हैं प्लस आइटा माइनस बी कर लो जे अपॉन में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो वन अपॉन जेड यहां से किसके इक्वल आया यहां से देखें, तो वन अपॉन जेड किसके इक्वल आया ये किसकी वैल्यू होती है जेड के ऊपर बार यानी इसके सिग्मे की वैल्यू होती है और अपॉन में जेड का मापांक, अपॉन में क्या आ गया जेड का मापांक, जेड के मापांक की क्या आ जाएगी यहां पर स्केल, अपॉन में जेड के मापांक की स्केल, इन पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, फिर भी इसमें कोई देख लो दोबारा इसमें क्या था श्मीशर संख्या का प्रतिलोम, जैसे z इक्वल a प्लस आइटा भी दिया है तो प्रतिलोम a का प्रतिलोम क्या होता है 1 अपॉन a ही होता है, इसी प्रकार से प्रतिलोम याद करते हैं तो z का प्रतिलोम क्या हो गया 1 अपॉन z यानी 1 अपॉन a प्लस आइटा भी, यहां पर आपको बताया इसमें प्लस वाली संख्या हो तो माइनस वाली से हर का प्रमेय करने के लिए गुणा करते हैं, तो यहां पर आ गया a माइनस आइटा भी अपॉन में a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1, तो यहां से क्या आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो वन अपॉन जेड की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास ए माइनस आइटा बी जेड का संयुग्मी अपॉन में ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर उसका मापांक, तो मापांक की स्केयर अपॉन में जेड बार, तो ये इसका था बेसिक, और 5.1 से रिलेटेड क्वेश्चन इसी पर आधारित होंगे, तो सबसे पहले ये आपके क्लियर होना चाहिए, फिर दैट्स इनफ फॉर टुडे, और 5.1 के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर।